various type of precipitation reaction. We have read about ring test, flocculation test, and now we are talking about immunodiffusion test. इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट के अंडर फर्दर हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन आती हैं. एक होता है रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन, एक इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन. तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन. सो हमारा रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन सिंपली होता क्या है, अगर हम इसकी नॉमनक्लेचर की बात करें, ठीक है, रेडियल मीन्स इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू रेडियस, ओके, मतलब सर्कुलर फॉर्म. इम्यूनो मतलब जो भी हमारे कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं वो, एंड डिफ्यूजन सिंपली हमें डिफ्यूजन प्रोसेस पता है कि मूवमेंट होना पार्टिकल की, ओके, तो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन. सो होता क्या रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन में, हमारे पास एक स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड है, इस पे मैंने इस पे हमने डालना है अगार प्लस एंटीबॉडीज. अगार हमने पीछे पढ़ा था कि हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जो कि हम कल्चर्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ हमें पता ही है. तो अगार और एंटीबॉडी का हम एक होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं कि इक्वल कंसंट्रेशन होगी उसकी हर जगह पे. होमोजीनस मिक्सचर से ये मतलब है इसका कि इक्वल कंसंट्रेशन होगी हर जगह पे, ठीक है, उसकी हम लेयरिंग करेंगे इस स्लाइड पर, ठीक है. फॉर सपोज अगर ये टॉप व्यू ले रहे हैं हम स्लाइड का, ठीक है, और ये हमारे पास साइड व्यू है, क्लियर हो जाएगा आपको इससे, साइड व्यू है. तो हमने अगर एंटीजन और सॉरी एंटीबॉडी और अगार की हमने लेयरिंग करी है तो वो लेयरिंग कुछ ऐसे दिखेगी हमें, ठीक है, साइड व्यू से ये हमने लेयरिंग करी हुई है, ठीक है. तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब अगर हम इसकी यहाँ कंसंट्रेशन चेक करें, यहाँ 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 कहीं भी अगर हम कंसंट्रेशन चेक करेंगे एंटीबॉडीज़ और अगार की, तो वो हमें होमोजीनियस मिलेगी. फॉर सपोज यहाँ अगर 90% है तो यहाँ भी 90 90 90, ऐसे सो ऑन, ठीक है. तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वेल्स कट करेंगे. वेल्स कट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये है हमारे पास ये लेयर थी, इसमें हमने किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसमें वेल्स कट कर ली हैं, ठीक है, मतलब इसमें हमने होल्स बना ली हैं. देखो आप, अगर मैं दोबारा से ये बनाऊं तो ये हमारा साइड व्यू है और ये हमारी उसकी लेयर थी, उसमें हमने वेल्स कट कर ली हैं, ठीक है जी. वेल्स और कुछ नहीं है, होल कर देना है. जब आप इसमें किसी चीज़ से होल कर दोगे तो वो जो थी वो चीज़ वो बैठ जाएगी ना यहाँ पे. तो आपने फोर सपोज यहाँ पे फोर वेल्स कट करें, ठीक है, वेल्स कट करें. अब इन वेल्स में, इनको हम क्या बोलते हैं, वेल्स, ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, एंटीजन पोर करेंगे. जो हमारा एंटीजेनिक सोल्यूशन है वो हम पोर करेंगे, ठीक है. हमने यहाँ पे एंटीजन पोर कर दिया और ये जो एंटीजन के हम कंसंट्रेशन रखेंगे वो ऐसे रखेंगे कि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इस साइड जाते हुए कम हो रही है. मतलब हमारा सबसे हाई कंसंट्रेशन एंटीजन की फर्स्ट वेल में है, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन. हमारे जितने हमने वेल्स कट आउट करे हैं तो उनमें हमारी कंसंट्रेशन ऐसे ऐसे रिड्यूस हो रही है, ठीक है. तो क्या होता है हमारा, अब आपको पता है डिफ्यूजन प्रोसेस होना है इस, ये हम सब प्रोसेस करने के बाद हम उस इसको सिंपल रूम टेम्परेचर पे इनक्यूबेट होने के लिए रख देंगे. उसके बाद जब हम इसको देखेंगे तो अब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता था, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता था, तो हमारा हमें वाइट कलर की लाइन दिखेगी. इसके रेडियस, एक रेडियस फॉर्म हुआ होगा, वाइट कलर की लाइन हमें दिखेगी, ठीक है. मतलब जो हमारे एंटीजन थे वो हमारे डिफ्यूज आउट हो जाएंगे बाहर की तरफ, और बाहर हमारे कौन है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज ही है ना यहाँ पे हमारे, ठीक है, बाहर हमारे एंटीबॉडीज ही हैं. तो ये क्या है, बाहर डिफ्यूज़ हो रही है वो चीज़, जो हमारे एंटीजन थे वो बाहर को डिफ्यूज़ हो रहे हैं, और वो यहाँ पे मिलके, जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी मिलेंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, है ना.
प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। बट ये जो हमारा रेडियस बनता है वो बेसिकली किस हिसाब से बनता है, जहाँ अभी एंटीजेनिक कंसेंट्रेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, आपने पीछे पढ़ा था कि जोन ऑफ इक्विवेलेंस में हमारी कंसेंट्रेशन इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज़ की तो होमोजीनस है, यहाँ पे हमारी एंटीजेनिक कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो हमारा उतना ही बड़ा रेडियस बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ी उससे कम है तो उससे थोड़ा छोटा बनेगा, फिर यहाँ पे थिनर होगा और यहाँ पे हमारा थिनेस्ट रेडियस बनेगा। तो ये जो हमारे पास बेसिकली रेडियस फॉर्म होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारे कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीजन पे हमारा डिपेंड करता है ये, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। बेसिकली अगर नॉमनक्लेचर की बात करें तो इम्यूनो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस जो भी हमने बात करी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टर्म है जो कि मतलब अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस या जो भी एंटीजन एंटीबॉडी है उनकी मूवमेंट की बात कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे ही हमने रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन में किया था, ये भी सेम हमारा स्लाइड पर होता है, ये हमने एक स्लाइड ले ली, ठीक है। ये सेम एज टॉप व्यू, ठीक है, और मैं इसकी साइड व्यू की बात करूं तो वो ये है स्लाइड का, ओके। सो टॉप व्यू में सबसे पहले हमें एक सॉलिडिफाइंग एजेंट चाहिए जो कि मतलब स्टेबल कर सके हमारी स्लाइड को, तो वो हमने अगार डाला। अगार हमें पता है कि हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट है, हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगार की हमने पूरी लेयरिंग कर दी। देखो साइड व्यू में अगर हम अगार की लेयरिंग की बात करें तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, अगार की हमने लेयरिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एक वेल कट आउट किया। वेल मैंने बताया था कुछ नहीं होता, जस्ट हम एक होल क्रिएट कर देते हैं जो भी हमारी लेयर है उसके अंदर, तो हमने एक वेल क्रिएट करा, ओके। उसमें हमने एंटीजन हमारा पोर करना, ठीक है, जो भी हमारा एंटीजन है उसको हमने पोर किया। जैसे कि इसकी मैं दोबारा बात करूं तो ये हमारा साइड व्यू था, ये हमने एक वेल कट किया इसके अंदर और यहाँ पे हमने एंटीजन पोर करा, ओके। तो एंटीजन पोर करने के बाद हमें इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करनी है, करंट प्रोवाइड करना है हमने इसको। हमने यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड अटैच किया, यहाँ पे हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अटैच किया, ठीक है। उसके बाद हमें करंट जनरेट करना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में हमने करंट जनरेट करना है। तो जब हम इसको करंट देंगे तो जो हमारे एंटीजन के पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट हो जाएगी, कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट्रेशन वो मूव करेंगे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर हमने इसको करंट से हटाना है, हटाने के बाद हमने इसको एक ट्रफ क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, ट्रफ। ट्रफ कुछ नहीं, ग्रूव होता है, जैसे कि वेल कट करते थे ना हम, तो वेल में हम एक ऐसे मतलब अगर ये है हमारे पास ऐसी कोई है, तो अगर हम मतलब कोई लेयर है तो उसमें हम ऐसे डैप कर देते तो वो सर्कुलर वेल सा बन जाता था, है ना। तो बस अगर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा तो हमारा एक ट्रफ क्रिएट हो जाएगा, ये होता है ट्रफ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ये ग्रूव लाइक होता है, मतलब इस पर्टिकुलर जैसे वेल वाले एरिया पे हमारा अगार नहीं रहता ना, तो सेम ऐसे जो हमारा ट्रफ होगा यहाँ पे अगार प्रेजेंट नहीं है, यहाँ से फॉर सपोज अगार की लेयर है उसमें से हमने निकाल दिया तो हम उसको बोलेंगे ट्रफ, ठीक है। हमने एक ट्रफ क्रिएट करना है, जो ट्रफ है उसके अंदर हमने एंटीबॉडीज डालनी है, हमारी जो भी हमारी इंटरेस्ट की एंटीबॉडीज हैं हम उनको उसमें पोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको इनक्यूबेट करते हैं, ओके, रूम टेम्परेचर पे हमने इसको इनक्यूबेट होने देना है कुछ टाइम बाद। जो अब हमें किसकी वेट है, डिफ्यूजन की, प्रेसिपिटेशन की वेट है ना हमें, तो जो जैसे कि यहाँ पे हमारे ऊपर एंटीजन है, ये है ना एंटीजन हमारे प्रेजेंट, यहाँ पे हमारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो ये यहाँ नीचे को मूव करेंगे, ये ऊपर को डिफ्यूजन की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारी प्रेसिपिटेट लाइंस फॉर्म करेंगे, ऐसे करके प्रेसिपिटेट लाइंस फॉर्म करेंगे। देखो हमने पीछे पढ़ा था जो मेराक्स की लेटेस्ट हाइपोथीसिस थी, उसमें हमने पढ़ा था अगर इंक्रीज एंटीबॉडी है और डिक्रीज एंटीजन है तो भी जो है हमारा वीक बॉन्ड बनेगा उनके बीच में, ठीक है।
और अगर एंटीजन ज़्यादा है हमारे पास और एंटीबॉडीज़ हमारे पास कम है तो भी वीक बोन बनेगा। अगर हमारे पास एंटीजन और एंटीबॉडी इक्वल है तब हमारा स्ट्रॉन्ग बोन बनेगा उनका, और प्रेसिपिटेशन अच्छे से होगी। तो जहाँ जहाँ कंसेंट्रेशन एंटीबॉडी एंटीजन की वैरी कर रही होगी वहाँ पे लाइट प्रेसिपिटेट लाइन बनेगी। इनको हम पीपीटी लाइन बोलते हैं, प्रेसिपिटेट लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइट पीपीटी लाइंस बनेंगी, जहाँ पे हमारी एंटीजन एंटीबॉडी की कंसेंट्रेशन सेम होगी वहाँ पे हमारी डार्क पीपीटी लाइंस बनेंगी। तो हमें इससे पता लगे कि प्रेसिपिटेट हो गया है, तो दैट मीन्स जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर लास्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड दैट इज इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन। इलेक्ट्रो मीन्स वही सेम इलेक्ट्रिसिटी, इम्यूनो मतलब जो हमारे कम्प्लेक्सेज हैं, और डिफ्यूजन मतलब उनकी मूवमेंट होना, ठीक है। तो इसमें हम जो टेक्निक का यूज़ करते हैं उसका नाम है काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, या फिर हम इसको काउंटर करंट भी बोल देते हैं, काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, वही है, हमने स्लाइड ली, ये इसका टॉप व्यू और ये उसका साइड व्यू। सबसे पहले हमें कुछ भी डालने से पहले हमें उसके जो सरफेस है वो सॉलिडिफाई करना होता है, तो हम अगार को यूज़ करते हैं एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। हम अगार की एक लेयरिंग कर देते हैं, ये रही हमारी अगार की लेयरिंग, साइड व्यू में ऐसी दिखेगी, अगार की हमने लेयरिंग कर दी। तो इसमें क्या है, अगार की लेयरिंग करने के बाद हम दो वेल्स क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम साइड व्यू की बात करें तो हमारा साइड व्यू है, यहाँ पे हमने एक वेल यहाँ पे और एक वेल यहाँ पे, हमने दो वेल्स क्रिएट करे। टॉप व्यू में ये वेल्स ऐसे दिखेंगे, ये हमने वेल्स क्रिएट करे दो। एक में हम डालेंगे एंटीजन, जो भी हमने डाला है अननोन एंटीजन, और एंटीबॉडी हमने डाला दूसरे वेल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो डिफ्यूजन है, तो इलेक्ट्रो मतलब हमें उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, बट इट इज़ अ काउंटर करंट या काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस के केस में क्या होता है, फॉर सपोज इन नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर स्लाइड की बात करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉड, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड, ईदर द करंट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड और द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस के केस में ये होता है, बट यहाँ पे हम किसकी बात करें, काउंटर करंट की। तो हम यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, ठीक है। दो 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 तरह की मूवमेंट होगी इलेक्ट्रिसिटी की, एक तो इस डायरेक्शन में होगी और दूसरी यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब एक एंटीजन की इस साइड जा रही होगी और एक एंटीबॉडी से उस साइड से आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो एंटीजन पार्टिकल्स हैं वो फिर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इधर मूव करेंगे, और जो एंटीबॉडी के पार्टिकल्स हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो वही मैराक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे अगर एंटीजन एंटीबॉडी एक इक्वल प्रोपोर्शन में हुए तो हमारी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो अगर ये दोनों इक्वल कंसेंट्रेशन में हुए तो यहाँ हमारी प्रेसिपिटेट लाइन बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं पीपीटी लाइन, प्रेसिपिटेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी है वो इक्वल है, और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही है एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा जब हम पीपीटी लाइन को देखेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थे, ठीक है। तो बाकी एग्लूटिनेशन रिएक्शन, सेकंड टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।